Pro Max 1TB आपको मिल जाएगा 6100 में। ये कौन से वाला होगा? ये वाला जापान वेरिएंट है। अगर आपको यूएस से चाहिए तो आपको 300 से 400 दिरहम कम में मिलेगा। 14 प्लस 128GB आपको मिल जाएगा 3100 में। 3100 में। और 256 14 प्लस के अंदर 256GB आपको मिल जाएगा 3350 में। 14 प्रो में 1TB मिल जाएगा आपको 5700 में। सारा कुछ जो भी स्टॉक है, जो भी हमारे पास है, यूएसए, जापान, हांगकांग, टीआरएस, सारा आपको नॉन एक्टिव विथ 1 ईयर एप्पल वारंटी के साथ मिलेगा। हांगकांग की प्राइसेस थोड़ी ऊपर रहती है 50-100 दिरहम, क्योंकि उसके अंदर ड्यूअल फिजिकल सिम का ऑप्शन मिलता है। और टीआरएस जो होता है वो मिडिल ईस्ट, वो जो दुबई का वर्जन होता है, वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, 100 से 150 दिरहम ऊपर में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 की प्राइस जैसे जैसे अप और डाउन होती है, उसकी प्राइसेस अपडेट करने के लिए आपके सामने आ जाती हैं। तो इस टाइम मौजूद हैं 7 वंडर के ऊपर और देखते हैं कि आज के दिन के अंदर प्राइस कहाँ जा रही है, नीचे या ऊपर, कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई। चलते हैं कादिर भाई की तरफ, पूछते हैं कि क्या अपडेट है और कितना प्राइस का फर्क आ गया है। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। क्या न्यूज है आज की? प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है? प्राइस नीचे आ रही है, काफी नीचे आ चुके हैं प्राइस, देखते हैं अपडेट में क्या मिलता है। चलें शुरू करते हैं 14 Pro 128 से। 14 Pro 128GB आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा 3830 में। जो लास्ट वीडियो जो बनाई उसमें मैं कल क्या रेट था, उसमें कितना फर्क आया? अप्रोक्स 300 से 400 दिरहम का डिफरेंस आ गया। 300 से 400 दिरहम का फर्क आ गया है। अगर आपने देखनी है पहली वाली वीडियो तो ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पिछली वीडियो पे चले जाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस आ गया है। ये थी 14 Pro 128 की प्राइस। अब चलते हैं 256 GB आपको आ जाएगा 4200 में। 4200 ये बताएगा कि ये कौन सा वर्जन है, यूएस के, एच के? ये जापान वर्जन है, बट आपको अगर हांगकांग और यूएस से चाहिए तो वो भी हमारे पास रेडी स्टॉक में मिल जाएंगे। उसके प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारी प्राइसेस बता दूंगा। फिलहाल जापान की प्राइसेस में दे रहा हूँ आपको। आज अभी आपको मिल रही है जापान की प्राइस, और ये जापान सबसे हाई है के दरमियान में लोग सवाल पूछते हैं इन सब में डिफरेंस क्या रहेगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अगर हम यूएसए, जापान और एचके और टीआरए की बात करते हैं, इन सब में डिफरेंस क्या आता है? जैसे देखने जाओ तो जापान और टीआरए के अंदर दोनों में सेम चीज है, एक फिजिकल सिम और एक ई सिम। जो हांगकांग वर्जन होता है उसके अंदर आपको दोनों फिजिकल सिम मिलेगी, दोनों सिम आप डाल सकते हो, उसके अंदर ई सिम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो यूएस से जो सबसे सस्ता वाला है उसके अंदर दोनों ई सिम लगेगी, उसके अंदर फिजिकल सिम का ऑप्शन नहीं है। और जो टीआरए है, टीआरए वाला सेम जैसे मैंने बताया, जापान का 1 फिजिकल सिम और 1 ई सिम। कुछ लोगों की ये परसेप्शन होती है कि वो शायद फेक होता है या इस तरह की कोई बात होती है इनके अंदर? ऐसी कुछ भी बात नहीं होती, सारा आईफोन सेम है, बस जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ सिम कार्ड का। पहले भी इस तरह की अपडेट आपको बता चुके हैं, मेन डिफरेंस कोई नहीं होता, सिर्फ किसी में ई सिम है, किसी में फिजिकल सिम है, तो यही मेजर डिफरेंस रहता है। अगर आपने मुनासिब प्राइस में लेना है तो यूएसए सबसे सस्ता आपको मिलेगा। तो चलते हैं 256 आपने बता दिया है, 512 कितना करेगा? 512GB आपको मिल जाएगा 5300 में। 5300 जिसमें भी आपको देखने जाओ तो 400 से 500 दिरहम का डिफरेंस आ गया है। 400 से 500 दिरहम का डिफरेंस। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपने डिफरेंस देखना है कि कितना फर्क आया है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। और इस आज बताएगा कि कुछ स्पेशल इसके साथ कोई गिफ्ट है, कोई चीज है इसे गिफ्ट में देखने जाए। जैसे नाविद भाई आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट अगर कोई लेकर आता है तो मैं उसके स्क्रीन प्रोटेक्टर और कवर फ्री में देने वाला हूं। ये आपको गिफ्ट मिलेगा। और यहाँ की एक खास बात है कि आपको ब्रांड न्यू फोन डोरस्टेप पे मिलेगा, ऐसे ही कादिर भाई? डोरस्टेप पे मिलेगा। अगर आपको डिलीवरी चाहिए, आप शारजा, अबू धाबी, अजमान कहीं पर भी हो, तो आपको सीओडी कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि आप कोई सा भी मंगवाते हैं, आपने ऑर्डर करना है तो आपको आपके डोरस्टेप के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। पहले चेक करें फिर आप पे कर सकते हैं। तो अभी कादिर भाई 14 प्रो के अंदर 1TB आएगा? 14 प्रो में 1TB मिल जाएगा आपको 5700 में। 5700 में। और अब अगर हम बात करें कि 14 सिर्फ सिंपल 14 128, उसकी क्या प्राइस रहेगी? सिंपल 14 128 आपको मिल जाएगा 2800 में, जो कि आईफोन 14 सीरीज का सबसे बेसिक मॉडल है, बेसिक और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा चलने वाला।
और इसमें अगर हम बात करें 256 की, 256 जीबी आपको मिल जाएगा 3200 में, 3200 में। और एक चीज बताएगा कि वैट शामिल रहेगा कि नहीं शामिल रहेगा? जो भी प्राइसेस में बता रहा हूँ नायद भाई, उसके अंदर आपको 5% टैक्स ऐड करना होगा। ये विदाउट टैक्स वाली प्राइसेस है, बट जैसे आप अगर टूरिस्ट हो तो जो आप वैट पे कर रहे हो वो आपको वापस एयरपोर्ट से रिफंड मिल जाएगा। जो लोग टूरिस्ट हैं, विजिट पे आए हुए हैं, परचेजिंग करते हैं आईफोन के, मोस्टली लोग वही लेके जा रहे होते हैं, उनको जो टैक्स उन्होंने पे किया होगा वो एयरपोर्ट से वापस मिल जाएगा। रिसेंटली हमारे एक दोस्त आए थे, कादिर भाई से फोन लेके गए, सिर्फ उनको 5 मिनट लगे, उनका टैक्स उनको वापस मिल गया। कोई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आपने जाके अपना वो दिखाना होता है, जो फॉर्म मिला होता है, तो आप उसी टाइम कैश काउंटर, वो जो काउंटर बने होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहां से आपको रिफंड मिल जाता है। अब अगर कादिर भाई बात करें 14 के अंदर 512 की क्या प्राइस रहेगी? सिंपल 14 512 की जैसे देखने जाओ तो अभी डिमांड काफी कम है, 512 जीबी कोई भी नहीं पूछता है अभी। तो भी अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे 14 512 ही चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसकी प्राइस एट अ टाइम दे दूंगा, क्योंकि प्राइसेस अप डाउन होती रहती है, अप डाउन होती रहती हैं। स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको डिटेल मिल जाएगी, जहां पर आप जब भी प्राइसेस अप एंड डाउन जाती है वहां पर आप देख सकते हैं। और कादिर भी कोई सेवन वंडर का अपना चैनल है जहां पर लोग आपको फॉलो कर सकते हैं? सेवन वंडर्स का हमारा खुद का भी चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे सेवन वंडर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सर्च करोगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी। उस पे भी आपको काफी सारी अपडेट्स, जैसे मोबाइल फोन्स, कैमरास, लैपटॉप, सारी अपडेट वहां पर आपको मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पर आईफोन नहीं होते, आईफोन से हटके इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम चीजें आपको मिलती हैं, कैमरा मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे और बाकी जो कंपनीज हैं उनके भी मोबाइल मिलेंगे। सिर्फ आईफोन नहीं है, और भी बहुत कुछ है, माइक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजें हैं। अब कदर भी बताएगा कि 14 जो सिंपल 14 है उसके अंदर 1 TB आएगा? नहीं, 14 के अंदर 1 TB नहीं आता है, 14 के अंदर सिर्फ 512 GB, 14 और 14 प्लस के अंदर ओनली 512 GB तक है, 1 TB नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बारी आ गई है 14 प्लस की। अगर 14 प्लस की 128 GB की बात करें तो ये कितने की प्राइस रहेगी? 14 प्लस 128 GB आपको मिल जाएगा 3100 में, 3100 में। और 256 14 प्लस के अंदर 256 GB आपको मिल जाएगा 3350 में, 3350। इसकी भी प्राइसेस काफी कम हो गई है, जैसे नावेद भाई के आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी आपको कम से कम 200 से 300 दिरहम का फर्क देखने को मिलेगा। और इसमें जैसे कि 512 लास्ट था, उसकी क्या प्राइस रहेगी 14 प्लस के अंदर? 512 GB आपको मिल जाएगा 3500 में, 3500। अब वन एंड ओनली लास्ट जो 14 प्रो मैक्स की बारी आ गई, 14 बता दिया, 14 प्रो बता दिया, 14 प्लस बता दिया, अब बारी है 14 प्रो मैक्स। 14 प्रो मैक्स 128 GB, 14 प्रो मैक्स 128 GB आपको मिल जाएगा 4220 में, 4220 में। जैसे प्रीवियस वीडियो में था 4500 4600 था, तो इसमें भी आपको 400 दिरहम का डिफरेंस आ गया। और जो बंदा सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट सेंड करेगा उसको ग्लास प्रोटेक्टर और कवर फ्री मिलेगा। और अब बात करें 14 प्रो मैक्स के अंदर जो कि मोस्ट डिमांडेड जीबी और फोन है, 256 GB आपको मिल जाएगा 4530 में, 4530 में। और अब अगर 512 की इसमें बात की जाए, 512 GB भी आपको मिल जाएगा 5450 में, 5450 में। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इन वाले मॉडल के अंदर बड़ा जो मॉडल है, इसमें US में अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी प्राइस का कितना फर्क रहेगा? अगर आपको 14 Pro, Pro Max, वैसे 14 प्लस में यूएस से तो कोई नहीं मांगता है, मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने नहीं मांगा, बट प्रो मैक्स में लोग अक्सर यूएसए मांगते हैं कि भाई मुझे यूएसए चाहिए। तो जापान और यूएसए की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उसके अंदर आपको 300 से 400 दिरहम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सम टाइम ऐसा भी था कि लास्ट वीडियो के अंदर 400-500 तक का भी डिफरेंस चल रहा था इसके अंदर। तो खैर अभी जैसे जैसे कि लोगों को समझ आ रही है हर जगह पे eSIM अवेलेबल है, तो US की भी मेरा डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली US की भी डिमांड बढ़ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हर जगह eSIM अवेलेबल मिल रहा है, eSIM अवेलेबल मिल रहा है। और ये बताएगा कि वाला जितना स्टॉक है 7 वंडर के ऊपर, ये एक्टिव या नॉन एक्टिव है? ये सारा कुछ जो भी स्टॉक है, जो भी हमारे पास है USA, जापान, हांगकांग, TRS, सारा आपको नॉन एक्टिव विद 1 ईयर एप्पल वारंटी के साथ मिलेगा। यानी कि आपने खुद खोल के उसकी वारंटी वगैरह सब कुछ खुद ओपन करना है, बहुत सारी शॉप्स पे
एक्टिव भी मिलता है, एक्टिव के आपको पता है कि यानी कि खुल के रीपैक हुआ होता है, तो यहाँ पर आपको नॉन एक्टिव। ये सवाल पूछने का मकसद था, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में इस तरह की चीजें पूछ रहे होते हैं, क्लैरिटी हो जाए उसके ऊपर। अब रहे कि 14 प्रो मैक्स के अंदर 1 TB, जो कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, जो कॉन्टेंट क्रिएटर हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें बड़े GB वाला फोन चाहिए होता है। और 1 TB की प्राइस क्या रहेगी वो हम आपको बता देते हैं कि जापान, हांगकॉन्ग सबकी प्राइसेस आपको अपडेट कर देते हैं। क्या रहेंगी कादर भाई? 14 प्रो मैक्स 1 TB आपको मिल जाएगा 6100 में। ये कौन से वाला होगा? ये वाला जापान वेरिएंट है। अगर आपको US से चाहिए तो आपको 300 से 400 दिरहम कम में मिलेगा। हांगकॉन्ग की प्राइसेस थोड़ी ऊपर रहती है 50-100 दिरहम, क्योंकि उसके अंदर ड्यूअल फिजिकल सिम का ऑप्शन मिलता है आपको। और TRA जो होता है वो मिडिल ईस्ट, वो जो दुबई का वर्जन होता है, वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, 100 से 150 दिरहम ऊपर में मिलेगा। वो लोगों की परसेप्शन बनी होती है कि दुबई का फोन महंगा होता है, तो वो बिकता भी महंगा है और हर जगह उसकी थोड़ी सी रीसेल भी थोड़ी बेहतर होती है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट सी अपडेट अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। अगर अपडेट अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।